बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक है, लश्कर शाह मजे में। कोई आउटडोर शूट नहीं चल रहा, कोई इंटरव्यू प्लान नहीं करने वाली। मुझे पता है खवातीन को किस काम में इंटरेस्ट है, बिकॉज एक मिशन होता है जिसपे अमूमन खवातीन जाती हैं। वैसे मर्द हज़रात भी अब दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन उनका एक मसला आता है कब, जब ये लास्ट डेज चल रहे होते हैं किसी भी महीने के, जो लास्ट 10 डेज होते हैं, जरा सा जो है ना क्रेडिट कार्ड अपने लो बैलेंस की तरफ होता है, अमाउंट जरा कम होती है, पैसे कम होते हैं, और एक बजट आपने जो बनाया होता है, सबसे बड़ी बात बजट, जो कि बहुत जरूरी है, और जो अमूरे खानदारी संभाल रही होती है खवातीन, उनको प्रॉब्लम होता है। तो उनका ये मसला हल होने वाला है ये वीडियो देखने के बाद। आज मैं ग्रोसरी के मिशन पे आई हूँ, ग्रोसरी करने आई हूँ, लेकिन आप लोग हैरान होंगे किन पैसों में, सिर्फ 3000 रुपये में, जो कि मेरे बैग में है। बाकी पैसे मेरे पास नहीं, मैं भूल जाऊंगी कि मेरे पास वॉलेट है, मैं भूल जाऊंगी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग कोई भी चीज देखते हैं तो जरा सी लालच आ जाती है। एक तो जब भी ग्रोसरी के लिए जाए तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लें और वो चीजें उठाएं जो कि बेहद जरूरी हैं, जिनके बगैर किचन का गुजारा नहीं है और खाना बन नहीं सकता, जिसमें ऑयल और घी भी शामिल है। तो एक पैकेट ऑयल का और एक पैकेट घी का लिया मैंने। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शोर था वहाँ पे और अजान पहले हो रही थी, फिर लोग बातें कर रहे थे, तो आई थॉट कि हम वॉइस ओवर डाल लेंगे। ये जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हूँ ये इतनी जरूरी नहीं थी, इतनी अहम नहीं थी, तो आई थॉट कि नहीं लेते। और मैंने नमक का एक पैकेट उठाया था, इसके अलावा सुर्ख मिर्चें नहीं थी। उसके बाद जनाब मैं यहाँ पे पूछने गई थी कि आटा कहाँ पे है, क्योंकि आटा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। 5 किलो का पैक मैंने आटे का लिया जो कि काउंटर के करीब था। और फिर उसके बाद मैं दालों की तरफ आई, दालें ली मैंने 4 किस्म की, मसूर, मूँग, ये वो, और लोबिया मैं सोच रही थी लूँ या नहीं लूँ, फिर मैंने कहा नहीं लेती क्योंकि लोबिया पड़ा हुआ था। देन मैं आई यहाँ पे लाइक चावल लेने के लिए, चावल के पैक्स थे 5 किलो का भी, लेकिन 2 किलो का लिया क्योंकि ये 1 हफ्ते की ग्रॉसरी थी, 7 दिन से 10 दिन तक आपके आराम से निकल सकते हैं। फिर 2 किलो का चीनी का पैकेट मैंने उठाया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ क्या चीज़ ज़रूरत है। फिर आई थॉट कि मैक्रोनी ले लेती हूँ क्योंकि मैक्रोनी ज़रूरत की चीज़ है, कभी कभी आप बना लेते हैं, लेकिन जैसे चावल पक जाते हैं दाल चावल, इसी तरह आप मैक्रोनी बनाकर भी खा सकते हैं, बजाय कि आप बाहर से फास्ट फूड ऑर्डर करें और पैसे ज़ाया करें। फिर मैंने लिया एक यहाँ पे बिस्किट का पैक, बिस्किट का पैक टी टाइम को अच्छा बनाने के लिए, लाइक अगर कोई मेहमान आ जाता है तो आप पेश कर सकें। और फिर उसके बाद चाय, चाय की बात की जाए तो चाय की पत्ती मैंने देखी यहाँ पे, और चाय की पत्ती के पैक्स बड़े मौजूद थे यहाँ पे। मैंने एक बड़ा पैक ले लिया था जो कि 200+ का था, बट देन मुझे आगे जाके 150+ का नज़र आ गया, तो आई थॉट कि नहीं यार बजट कम है, 3000 है, तो मुझे वो वाला छोटा पैक लेना चाहिए। छोटा पैक उठाकर मैंने बड़ा पैक रख दिया था। और ये एक समझदारी की बात है, अगर आपको लगता है, अगर आप प्राइस टैग सबसे पहले देख लिया करें तमाम चीज़ों के, और अगर आपको लगता है कहीं पे आप बचत कर सकती हैं, किसी दूसरी चीज़ से गुजारा हो सकता है और कम क्वान्टिटी में हो सकता है, तो प्लीज़ आप अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए शॉपिंग करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या बाय किया। मैं घूमते जा रही हूँ, डाइपर्स की ज़रूरत नहीं है, कैपिशोनो का खाना मौजूद था इसलिए मैं उस पेट एरिया में भी नहीं गई। सर्फ का एक पैकेट मैंने ले लिया था जो कि कुछ लॉन्ड्री के लिए काम आ सकता है। देन यहाँ पे मैं गई सोप एरिया में, वैसे तो बॉडी वॉशेज और हैंड वॉशेज और शैम्पूज हम मंथली ग्रॉसरी में ले ही लेते हैं, बट फिर भी आप लोगों को बताने के लिए कि हर कोई अपने बजट उसके मुताबिक तैयार कर सके, मैंने ये एक बंडल भी उठा लिया जिसमें 10 रुपये मैंने बचाए। और आगे बढ़ते हैं जी, जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, और रात का पता नहीं क्या 2 बज चुके हैं, हाँ रात के 2 बज चुके हैं। ये तमाम तरह चीज़ें मौजूद थीं कि पेट एरिया में आए तो फिर मुझे याद आया कैपिशनो, तो आई थॉट कि नहीं यार कैपिशनो की तमाम तरह चीज़ें मौजूद हैं, सो भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ना उसका खाना ना बाकी चीज़ें। और इधर से बढ़ते हुए लाइक यहाँ पे ज़रा सा टिश्यू पेपर्स वाला एरिया था, बॉडी स्प्रेस थे, गई थी इस एरिया में। दूध और अंडे मैंने इसलिए नहीं लिए, मैंने आपको बताया है कि ब्रेड और अंडे तो आप मंगवा ही सकते हैं। अच्छा ये मैंने आटा पिक कर लिया था, मैंने उनसे पूछा था काउंटर पे, उन्होंने कहा हाँ, और फिर उसके बाद मैंने ये आटा पिक कर लिया। 3000 रुपये का चैलेंज था मेरे लिए, बट आपको जान के खुशी होगी कि टोटल 2500 रुपीज एंड 65 रुपीज, आप 2565 इसमें आप ये देखें कि 2565 रुपये में
ये सारी ग्रोसरी जो आपने देखी वो हुई है, और उसमें दो तीन चीजें लाइक एक्स्ट्रा इस तरह से थी कि मैक्रोनी मैंने ऐड की, फिर उसके अलावा साबुन ऐड किया, साबुन जो कि जरूरी है। अगर आपने मंथली ग्रोसरी की हुई है और साबुन आप ऑलरेडी ले चुके, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको लेने की जरूरत पेश आएगी। तो ऑलमोस्ट 2500 रुपए बनते हैं, लेकिन जो 500 रुपए मैंने बचाया है वो 500 में आप क्या करेंगे कि आप पूरे 10 दिन के या वीक के जो भी आपके फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करता है, इन 500 में आप लोग, खैर मैं प्लेस का बताती हूँ मैं कहाँ पे हूँ, इन 500 में आप लोग अंडे और ब्रेड मंगवा सकते हो जो कि डेली बेसिस पे आता है, यू नो ब्रेड भी फ्रेश आई होती है अंडे भी। तो अंडे और ब्रेड जो है वो 500 रुपए में आ सकता है, 3000 रुपए में आप 10 दिन आराम से गुजार सकते हैं। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है यार, अगर आपने बजट करके चलना है, एक सलीके से चलना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, तो आप जरूर कर सकते हैं। हालांकि मुझे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें चाहिए थी अपने रूम डेकोर के लिए ये वो, बट मैंने इस ग्रोसरी में वो अमाउंट शामिल नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ग्रोसरी का जो बजट है मुझे वही रखना है। सो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसे नहीं लगेंगे इसमें। इंस्टा पे फॉलो करके आप लोग बता सकते हैं किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं। और एक सीरीज जो कि मैश मसाला चल रही है उसकी एपिसोड आज ही अपलोड होगी इंशाल्लाह अब से थोड़ी देर के बाद, और मैं मौजूद हूँ जूस लैंड में। बड़ा खूबसूरत जी आई एट के रहने वालों के लिए एक अच्छी चीज आई है, एक मरकज में है ये, और जूस लैंड में आपको फ्रूट चाट, गोलगप्पे, दही भला और जो भी आपकी रिफ्रेशमेंट है, जिस किस्म के फ्रूट का आपको जूस चाहिए वो मिलेगा। सो दैट्स ऑल, टेक केयर, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।